किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम अम्बरीश कुमार त्यागी है और मैं h.p.m केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से हूँ। जैसा कि h.p.m को तो यहाँ किसान पुरानी टाइम से जानते हैं, हमारी जो सुपर सोनाटा दवाई आती है उसका मुझे नहीं लगता कि कोई किसान में ऐसा हो जिसमें इस्तेमाल ना हो। तो हम यहाँ पे क्योंकि मुख्य फसल मिर्च की है इस टाइम पे, तो मिर्च की जो है चर्चा करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे हमने एकत्रित किया है। और जो आपका कीमती वक्त है उसमें से थोड़ा सा मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें 10 मिनट का समय चाहिए, इसके बाद हम भी नहीं चाहते कि आपका कोई और नुकसान हो। उसमें से कुछ बात एक आधी बात मैं भी आपको बताऊंगा और कुछ आपसे भी मुझे सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो डॉक्टर है वो किसान भाई है। अभी जैसा कि मैं एक हफ्ते से आप लोगों के यहाँ पे घूम रहा हूँ दिल्ली में, तो मैंने देखा कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे विशेष आ रही है कि यहाँ पे इस टाइम में पौधा सूख रहा, वो जो है उसकी जड़ गली हुई है और काफ़ी ये प्रॉब्लम है। तो मैंने जब खेतों में गया वहाँ पे भी किसान भाइयों को यही बता रहा और आप लोगों को भी मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि एक तो ये बीमारी और एक जो दीमक और सफ़ेद मीनार आती है वो, इसकी जो दवा आप लगाते हैं जिस टाइम आप खेत की तैयारी करते हैं यानी कि रोपाई से पहले, उसी टाइम आपको लगाएंगे तो आपको जो है 80-90% फायदा मिलेगा। तो अब जैसे अभी विल्ट आया हुआ है, ये फ्यूजेरियम विल्ट आई है, हमारा पौधा सूख रहा है। पहले जड़ सूखती है, पौधा मुर जाता और बाद में 2-4 दिन में पूरा पौधा सूख जाता है, ये एक बड़ी समस्या। तो इसके लिए मेरी ये बतिष्ठा नाम की दवाई आती है, यदि इस बतिष्ठा को आप जो है 500 ml क्योंकि एकड़ के हिसाब से लगाएंगे तो आपके में ये जो विल्ट की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल नहीं आएगी। और लगाने का तरीका यही है कि जिस टाइम आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, खेत में पानी भरा हुआ है तो बालू रेखा में दवाई को ऐसे मिक्स कर लो और पूरे पानी भरे हुए खेत में जो है उसको छिड़क दो। तो जो है इसे है क्या कि इसमें हमें मिट्टी को उपचारित करना होता है, जो इस विल्ट का जो फंगस होता है वो मिट्टी में ही होता है। यदि हमारी मिट्टी ठीक से उपचारित हो जाए तो हमारी जो है उपचार नहीं आएगा। अब दूसरी समस्या जो आती है, आप लोगों के खेत में मैंने अभी देखा है, किसान ने मुझे भी दिखाया कि उसकी जड़ कट रही है और दीमक भी है, यहाँ की जमीन में प्रॉब्लम आती है, सफ़ेद गिनार जो है जड़ काट रही है और दीमक की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी ये जो आप देख रहे हैं ये देवसेना जो है, ये देवसेना नाम की जो दवाई है, इसको आप जिस टाइम आप खेत का परिवर्त करते हैं उसी टाइम पे इसको लगाना है। दोनों का टाइम यानी कि बतिष्ठा का और देवसेना का टाइम एक ही है, क्योंकि ये दोनों जो कीड़े और बीमारियां हैं ये ज़मीन में ही पैदा होते हैं, इसीलिए हमें ज़मीन को उपचारित करना है। तो ये देवसेना की आपको 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देवसेना लगा देंगे।